कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव पिथनपुरा कंदोली में गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट कर 6 लोगों को घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का अस्पताल में भर्ती कराकर और मामले की जांच शुरू कर दी है। पिथनपुरा कंदोली गांव के धर्मेंद्र यादव ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि गुरुवार की सुबह गांव के ही दबंग उसके घर के पास गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर हमलावरों ने लाठी डंडा एवं हथियारों को हाथों में लेकर मकान पर हमला बोल मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद हमलावरों ने एकत्र होकर दोबारा घर पर हमला कर दिया, जिसमें राहुल, नीतू, मुकुल, उदल, भीष्म सिंह समेत 6 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित ने 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली पर तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी अखिलेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र यादव। कहाँ के हो? पिथनपुरा। क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? घर पे चाची थी हमारी, तो दूसरी पार्टी गाली गलौज कर रही थी। चाचा जी उनको समझाने के लिए भेजे, वो 10-15 लोग इकट्ठे थे और कुछ लोग उन्होंने बाहर के बुलाए हुए थे, तो उन्होंने घर में जाके हमला कर दिया। उनको हथियार ले गए, मारपीट चालू कर दी। जो भी हमारे चाचा था उनको बचाने के लिए भी सभी से उन्होंने हथियार से हमला कर दिया। किसी का कान कट गया, किसी का सर फट गया है, किसी का हाथ फट गया है, किसी के सर नाक में चोट है। अब हमने थाने पर आके तहरीर दिए, तहरीर देने के बाद में अभी हमें रिसीविंग नहीं मिली है। तो कितने लोग घायल हैं? 6 लोग, हमारे 6 लोग घायल हैं। दूसरी पार्टी कौन? दूसरी पार्टी भी याद है ना, मुंशी सनोक खचेड़ू के लड़के हैं, प्लस उसके भाई के लड़के हैं और कुछ अज्ञात लोग।